ब्रह्म ऋषि श्री देवदासन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ उन नियमों को जिनका पालन करना दैनिक पूजन में अनिवार्य है। अगर आप रोज पूजा करते हैं और तो भी आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूजा पाठ में आपसे कहीं कुछ गलती हो रही है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए विधि विधानों का होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं दैनिक पूजन में किन नियमों की आवश्यकता होती है। पहला नियम है शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरा नियम है तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तीसरा नियम है तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर आप पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। चौथा नियम है रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। पांचवा नियम है सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। छठवां नियम है सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं, इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। सातवां नियम है माँ दुर्गा को दूर्वा बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए, यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। आठवां नियम है दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। नौवां नियम है बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दसवां नियम है प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु से मतलब है एल्यूमिनियम और लोहे से बने हुए बर्तन, इनमें गंगा जल ना रखें। गंगा जल रखने के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें, तांबे के बर्तन में गंगा जल रखना शुभ होता है। ग्यारहवां नियम है केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बारहवां नियम है किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। तेरहवां नियम है माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है, इस फूल को आप 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। चौदहवां नियम है हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक न जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। पंद्रहवां नियम है घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का आपको जलाना चाहिए, यानी कि घर के मंदिर में सुबह शाम 2 दीपक जलाएं, एक घी का और एक तेल का। ये है वे 15 नियम जिनका पालन करना दैनिक पूजन में आपके लिए आवश्यक है। आशा करते हैं आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। नमो नारायण।